राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में। और आज है संडे, रविवार, इतवार, तो यहाँ पे प्रधान जी लग रहे हैं अपने बालों को गर्म कर करने। के करेगी, बेचेगी 3000 रुपये किलो? और क्यों बाल माड़े कर माला क्यों बेच रहा है? ता मैं बेचो माड़े कर माला। लो बेचान कटा के सारी कटिंग थोड़ी कराऊंगे बाड़ा के परमानेंट सीधे करवाऊंगे। न्यू कटिंग वाले भी कटे भी तो नहीं 8000 रुपए तैयार रखिए तक के 8000 दे दिए। अच्छा 8000 रुपए मैंने मिला भी नगे हुए मैं दे दूं इसे खाओगे मारे तुम तेरे जलम दिन पे पे इसका क्या मतलब हुआ? ये ठीक होने लग रहे हैं और के? हाँ, फिर मैं तुम मजाक कर रही यार, मैं कहीं इतना करवा नहीं लेंदी मैं। हाँ, ना इसका करवा सारी ब्लॉगर करवा रही है मन ना छोड़ के। कोई इसका करवा के देख ली फिर अपने की मैं देऊंगी। देख पीछे टाई है ना, तू नई गाड़ी आ रही भाई? नई गाड़ी आपकी गाड़ी ना आंधी, हमने ना बुकाया करो। वो गाड़ी ना आंधी बुलट आओ अपना नया। हम परेशान हो गए, कौन लेंदे भाई बुलट? नहीं भाई, चलाना है भाई ये तो तुम्हें आपस में टाइम पास ना करो। आज इतना काम है, इतनी चीजें हैं दिखाने के लिए और इतने काम है करने के लिए, कर ले तो आज बातें करने का टाइम नहीं है। और मेरी माँ चली गई थी नरवाना, मतलब उस दिन पूछ भी रहे थे कहीं भी की हो गया था, तो भाई मेरे जो हमारा काका है ना, काका लगा उसका लड़का गुजर गया था, तो वहां पर जाके आए हैं। और ये बस तो इस करके थोड़ा सा काम का दो चार काम का नून हो जावा है, तो ये काम बनया है ना लिए हैं। और मशीन लाग रही है, बस दो गेड़े रह रहे हैं, बाकी तो सारे धुल गए। कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, कब धोए थे इबे धोए थे नहीं। तो चलो इब अपना जो काम है वो शुरू कर लें। और मास्टर जी भी आ गए हैं, आप गला लागोगे ना? तो इब आज वाला जो आज काम होगा उसकी कुछ क्लिप बाद में ऐड होंगी किसी और व्लॉग में, क्योंकि कुछ सोच रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की। और कुछ अपना आज का जो व्लॉग है वो तैयार करेंगे। तो इब एक बारी तो जो कपड़े हैं वो निकाल दूँ और पानी में को खंगाल के मशीन में डाल दूँ। मैं तो लंबी हूँ के लंबी तो हो अब मैं तो लंबी कौन सीधे खड़े हो के बेरा आप हूँ तो पूरे लंबे लागो थोड़ा फर्क से देख मड़ा सा है ऊँ मेरा पटेमा लंबी नहीं माँ मेरे दो अंगल का फर्क होगा। आप तो ज्यादा सही लंबे आदमी है माँ, मेरी नू है ठीक है ना लंबी ना छोटी घनी लंबी तवड़ी कुरेट सही है ठीक है इतनी तो। तो चलो एक बारी मैं कपड़े का काम निपटा दूँ और फिर करेंगे अपना। माँ गोबर की खाद जरूर लेनी है मेरे तो पलटा पिछना करूंगी तो अब दादी ने चाकी चला दी है, अब पिछले जागा इतना है दादी और कुछ काम देख लेगी। क्या का काम तो दादी ने कर दिया था और कुछ मम्मी ने कर दिया दादी के जाने बाद। और अब दादी भैंसों को पानी पिलाने लग गई है और फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाएगा। और ये आ गई है मेरे पास और ये भी आ गई है पानी पीने के लिए। और ये हमारी है बारो। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो झूला है वो आ चुका है, आज दिन में लेकर के आए थे और अभी मास्टर जी इसको सेट कर रहे हैं। तीन पार्ट में आया ना यो? हाँ। अरे तू ये इसका दरवाजा बंद कर दे बेटा, लोबी का ये बाहर डीजे की आवाज आवे कदे खाम खाई गया। हाँ बस ठीक है, ज्यादा लाइट भी ना पड़ेगी। तो पहले नीचे वाला चक्कर था, इसने ये जोड़ दिया स्टैंड और अब जो झूला है वो लगा देंगे। गद्दी उठा के ला इसकी पेच खड़ा भी गया अच्छा अच्छा ठीक बैठ कर देखा। ये खुल लगी ना, ये खुल उसमें को फैल लगी।
ये इसके ऊपर और कपड़ा सिल लेंगे क्योंकि उनके पास में यही कलर था, ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। पकड़ियो पूछा भी था हमने उनसे, वो बोले येलो ही पड़ी हमारे पास तो चार पास। कोई बात नहीं, तो पर जो कपड़ा है ना वो सिल लेंगे, और वैसे येलो भी बुरी नहीं लग रही है। तो भाई यहाँ पे मैं लगी हूँ प्लांट्स लगान, और मैंने सोचा कि चलो साथ में जो दो वीडियो हैं छोटी छोटी सी वो भी शूट कर दी थी, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आए जावे हैं। एक तो मतलब कि जो मिट्टी है वो कैसे तैयार करें भाई लगाने से पहले, और एक मनी प्लांट के लिए, तो वो दो वीडियो मैंने बनाई। और मुझे ये था कि दो चार मैं आज लगा दूंगी, बाकी मैं कल लगा दूंगी, लेकिन फिर लगाने के बाद मतलब मेरा मन इतना खुश होता है जब मैं ये काम करती हूँ, तो फिर मेरा मन ही नहीं करता यहाँ से हटने का। फिर मैंने सारे जो भी मेरे पास प्लांट्स थे सारे मैंने रिपोर्ट कर दिए एक दूसरे गमले में, और छोटे थे वो बड़े में लगा दिए, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं बिल्कुल पूरे गमले में वो हो चुकी थी, आगे फैलने के लिए जगह ही नहीं थी। सबकी मिट्टी चेंज कर दी, सारे पोट की निकाल निकाल के दोबारा, तो फिर और मिट्टी भर के गोबर की खाद मिला मिला के, तो 9:30 का टाइम हो गया था मैंने यो काम करते करते। बस बीच में एक बार खाना खाया था और कपड़े उतारे थे, और जो कपड़े हैं वो सुखाए थे जो उनसे सुखाने थे। तो यहाँ पे मेरी माँ लाग रही है दूध निकालन, मेरे काका ही ब्याह को नहीं है, एक का निकाल लिया था मेरी माँ ने, फिर मेरे काका ने आगे निकाल लिया था एक भैंस का। और कमेंट आ रहे थे कि बेबे शॉपिंग जरूर दिखाइए, तो था तो मेरा यो है कि मैं दो वे वीडियो शूट करके और शॉपिंग दिखाऊंगी आज के वीडियो में, पर क्यों होया यहाँ पे मैं आपने बताने लग रही 10 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाली, हालांकि ये कह दिया करें भाई रात के टाइम पर नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन बच्चे हैं ना मिट्टी के पैर लाल लगे इतना बुरा हाल कर रखा था, मतलब देखा भी नहीं जावा था। तो फिर अच्छे से सारे को झाड़ू निकाल के यहाँ तक सारा मिट्टी बहुत बुरा हाल हो गया था। ये तो शुरू की क्लिप है, लास्ट तक तो बिल्कुल भी गन माच गया था। और तो फिर वो अपना सारा संगवा के और फिर ना के, क्योंकि ना इन पोट में इतनी कीड़ी बढ़ रही थी सारी मेरे चढ़ गई। उस टाइम पर तो मैं लागी रही, लेकिन फिर रात ने मतलब कई घंटा तक नुम रही है कि जैसे इब भी कीड़ी जाला है। तो इस चक्कर में फिर मैं जो बाकी शॉपिंग है वो दिखा नहीं पाई, झूला मैंने दिखा दिया है।
और झूले का मैं रेट भी आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि कल भी कमेंट आए थे और मुझे पता है आज भी कुछ लोग पूछेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, इससे हमें आइडिया हो जाता है भाई, अगर हम कोई चीज़ लेने की सोच रहे हैं तो भाई हमारा जो झूला है वो हमें 7,000 का पड़ा है। और दो हम ये ऑरेंज कलर की बास्केट रखी है, ये लेकर के आए थे, कोकोपीट का पैकेट लेके आए थे, और एक झूले का स्टैंड लेकर, ना झूले का बोल रही हूँ सॉरी, प्लांट्स के लिए स्टैंड लेकर के आए थे, वो भी मुझे अच्छा लगा। मतलब 6 पॉट हम उसके ऊपर रख सकते हैं और कम स्पेस लेगा, अच्छा भी लगेगा देखने में भी। वो पड़ा है 1800 रुपये का जो हम स्टैंड लेकर के आए हैं, वो भी मैं कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। एक मैं वो जो बुद्धा सा होता है वो लेकर के आई थी, वो 200 रुपये का आया, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके लिए भी मेरे पास कमेंट आए थे। और प्लांट्स मैं लेकर के आई थी करीब 550-600 के करीब। तो भाई YouTube की अपनी कमाई से ये जो छोटे मोटे सपने हैं अपने वो पूरे कर रहे हैं। और अब की बार की मैंने पूरी YouTube जो पेमेंट थी जो पिछले महीने की थी वो मेरी पूरी मैंने लगा दी। तो आज आप लोगों को पता भी लग गया है कि कितनी पेमेंट हमारी आती है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी होती है, लेकिन वो सिर्फ एक गलतफहमी ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि लाखों में कमाते हैं, लाखों लाखों में कमाते हैं जिनके लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख व्यूज आते हैं और दो दो तीन तीन चैनल हैं, वो लाखों में कमाते हैं। अगर 10-15-20 हज़ार व्यूज आते हैं तो वो लाखों में नहीं कमाते, वो सिर्फ इतना ही कमाते। मैंने पहले भी बताया था 10-15 हज़ार तक ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कई बार ये होता है कि भाई कोई कोई वीडियो बीच में से निकल जाती, 30 हज़ार चली गई, 50 हज़ार चली गई, 35 हज़ार चली गई, बस इतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। तो देखो जो व्लॉगिंग का चैनल होता है ना उस पर व्यूज लगभग एक जैसे ही होते हैं। हाँ कभी कभी कोई कोई वीडियो ऐसा हो जाती कि भाई चली भी जाती तो थोड़ा बहुत अप डाउन होता है अगर वीडियो में होता है तो, लेकिन कुछ चैनल ऐसे होते हैं जैसे भाई अब गीतों के डांस वीडियो आती हैं, ये वाले हो गए, न्यूज़ वाले हो गए, कोई रेसिपी हो गई, उनमें क्या होता है कई वीडियो हमारी निकल जाती हैं, अच्छे से निकल जाती हैं, वायरल हो जाती हैं, कई कई लाख व्यूज आ जाते हैं वीडियो पे, तो वो अलग बात होती है, ठीक है। और इन चैनल का ऐसा होता है जैसे मैं अपने रंगीला को ही लेकर के चलूँ, क्या पता 3-3-4-4 महीने उसकी सैलरी ना आए, हर महीने नहीं आती है उसकी सैलरी कई बार, और कई बार भाई अच्छी खासी भी आ जाती है। तो उस चैनल का ये है, उस चैनल का हम फिक्स मान करके नहीं चल सकते कि भाई इतना ही होगा। कई बार वीडियो निकल जाती हैं तो भाई अच्छी खासी भी बन जाती है, कई बार नहीं निकलती हैं तो क्या पता ना भी आए, तो ये वाली बात है। मतलब फिक्स इनकम नहीं होती एक यूट्यूबर की। हाँ बहुत सारे मतलब यूट्यूबर हैं 1,50,000-2,3,4 लाख उनके व्यूज होते ही होते हैं। तो अगर एक एक दिन में एक एक आदमी एक एक वीडियो पे 1.5-1.5 लाख व्यूज आते हैं तो उनकी कमाई बहुत अच्छी होती है, और 2-2-3-3 चैनल वो चला रहे होते हैं। और फिर क्या होता है जिसके 1.5-2 लाख व्यूज आने लगते हैं उसकी तो फैमिली में फिर हर माँ बाप ननंद भाई भाभी मतलब हर रिश्तेदार उसका चैनल चला लेता है, क्योंकि भाई अगलों को इनकम दिखती है अच्छी खासी आ रही है। अब 10-15 हज़ार में तो दूसरे का भी हौसला नहीं होता, अगर लाखों में आएंगे तो वो भी चलाएंगे। और उनका होता भी ऐसा है, हम जैसे ब्लॉगर यहाँ पे 3.5 साल में पहुँचे हैं, उनका तो 1 महीने के अंदर इतना हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली बात भी है। और इसलिए जो एक न्यू क्रिएटर है मतलब जिसकी फैमिली में कोई ब्लॉगर नहीं है वो नहीं चल रहे हैं, इसका रीज़न यही है। क्योंकि अगर कोई चल पड़ा 1,00,000-1.5 लाख व्यूज आ रहे हो कि एक रहे अपने घर में जितने भी रिश्तेदार होंगे ना दूर दूर तक के सबके चैनल, और कहीं का तो ऐसा काम हो गया भाई घर में जितने आदमी हैं, देवर है, आदमी है, लुगाई है, ननंद है, सबके भाभी है, सबके चैनल हो गए, बताओ बाकी दुनिया को कौन देखा है। फिर क्या होता है कुछ लोगों का ये होता है उसको देखने लग जाते हैं ना, फिर उसके इर्द गिर्द जो 2-4 लोग हैं उन्हीं को देखना स्टार्ट कर देते हैं, हम जैसे लोगों को देखना कम पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात होती है, जिनको सपोर्ट करना चाहिए उनको लोग सपोर्ट करते नहीं हैं, और बस एक के पीछे पड़ लिए और बस फिर वहीं पे अटक के रह जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बहुत कम पसंद करती हूँ। खुद अगर मैं बताऊँ, मैं उसी आदमी को सपोर्ट करती हूँ जो खुद की मेहनत पर उठा हुआ होता है। और कुछ मेरे हैं भाई आइडियल भी हैं, और उनका ये है, एक तो वो अपनी मेहनत पे उठे हुए होते हैं, एक उन्होंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया वीडियो के लिए, कभी कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया जो कि गलत है, लेकिन लोग फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो लाखों में है चाहे वो मिलियन में। मैं उस आदमी को कभी पसंद नहीं करती, और नाम मैं इसलिए नहीं लेती वीडियो में क्योंकि भाई किसी को ये ना लगे कि मैं किसी के नाम का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी का नाम लिया नहीं है, ना ही मैंने कभी किसी का सहारा लिया है इसलिए। तो अब बईका की बात आ गई थी, वह भी झूले पे बैठ के देखना आ रही है और खुश हो गई थी देख के, मखा की बैठ के देख बोल रही थी कि पाछे बाड़क आया करेंगे नाड़े भेज दिया करूँगी छोरी के मखा, ठीक है। तो चलो अब इस वीडियो का कर दें यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, और आज तो सारे दिल की बातें बता दी। बाय बाय।